अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं सद्दिक नवाज़ और आप देख रहे हैं हावर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बीए, बीएससी और एफएससी के स्टूडेंटों के लिए एक गुड न्यूज़ है एचईसी की तरफ से। तो इस वीडियो में एचईसी की जानब से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। एचईसी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि जितने भी एडमिशन्स हो रहे हैं एडी एडीएस के मतलब बीए बीएससी जिसका ओल्ड नेम था, तो अब जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जितने भी कॉलेज हैं उन तमाम में एडी एडीएस के एडमिशन्स स्टार्ट हैं। मगर एडमिशन्स पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। पहले नंबर पर तो वो सेमेस्टर सिस्टम में हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि एचईसी ने तमाम कॉलेजेस को चाहे वो गवर्नमेंट का अदारा हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, तमाम को इजाज़त दे दी है कि वो एडी एडीएस यानी बीए बीएससी की क्लासेस इवनिंग में भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो काम करते हैं और कुछ मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से वो मॉर्निंग में एडमिशन्स नहीं ले सकते, तो उन तमाम स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा मौका है, एक बड़ी बहुत खुशखबरी है एचईसी की तरफ से कि वो इवनिंग क्लासेस के अंदर एडी एडीएस यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या फिर एसोसिएट डिग्री इन साइंस या फिर एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेकर इवनिंग में क्लासेस हासिल करके अपनी एजुकेशन जारी रख सकते हैं। एचईसी की तरफ से कन्फर्म नोटिफिकेशन मिल चुका है। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के एडमिशन, ऑनलाइन अप्लाई की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडी, सोशल स्टडी और बिजनेस स्टडी के तमाम प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल, मेरिट लिस्ट की मुकम्मल तफसीला, बोर्ड के इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज हासिल करने के लिए पाकिस्तान के वाहिद सबसे बड़े चैनल हाउ अर्नी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले।